some best and most beautiful things in the world cannot listened or even touched, but can be felt by heart. सूरज को अपने तेज का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। 1880 में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिन्होंने डिसेबल कम्युनिटी को प्रमोट करने में 1887 से लेके आज तक एक अहम भूमिका निभाई। दो शख्स याद आते हैं हमें, 1804 की बात करें चाहे हम, या फिर 1880 की बात करें। एक बहुत ही बड़े राइटर ने कहा, अगर दो शख्स मुझे चुनने हैं 19वीं शताब्दी के, तो नेपोलियन बोनापार्ट और हेलन केलर होंगे। सबसे पहले शब्द जो हेलन केलर जी ने कहे वो थे वाटर, WATER। आज हेलन केलर जी का जन्मदिन है और हम सभी इस उपलक्ष्य में यहां पर आप लोगों से मुखातिब होने आए हैं। एक इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। फिलहाल देश में और विदेशों में कई कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किए गए हैं उनको याद करने के लिए, उनकी स्मृति में। कई ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी बायोग्राफी लिखी है। ज्यादातर बायोग्राफीज हैं वो सेम है, थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस लगता है। हेलन केलर जी हमारा, जैसे कि डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो है, डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो समय समय पर आपके लिए खास तौर पे ये, अगर हम बात करें हेलन केलर डे, लुई ब्रेल डे, बाइट केन डे, या फिर हम बात करें डिसेबिलिटी डे की, तो ये डिसेबल कम्युनिटी के लिए किसी भी त्योहार से कम नहीं है। आज एक बात, इससे पहले मैं तारुफ दूं सबका, और मुझे काफी डिस्टर्बनेस आ रही है लिसनर्स की, उसे कॉल मुझे ना करें, और यहां ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जबकि हम 2017 में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम हर बार दुहाई देते हैं या अफसोस जताते हैं कि समाज में जागरूकता की कमी है। लेकिन हम जब दो शख्स को देखते हैं, दो शख्सियतों को देखते हैं, हेलन केलर जी को और लुई ब्रेल को, तो हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है किन हालातों में उन लोगों ने डिसेबल कम्युनिटी को लोगों को अवेयर किया डिसेबल कम्युनिटी को लेकर, और किस तरीके से वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, सिर्फ अपने अपनी कंट्रीज में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुए, और हर देश में उनके नाम के प्रोग्राम किए जाते हैं और एक खास तरह का एहतराम पेश किया जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस से थे और हेलन केलर जी की अगर हम बात करें तो ये अमेरिका से थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टस्कम्बिया जो कि अलबामा में है, वहां से ये थी। 2 साल की उम्र में एक डिसीज हुई इनको, फीवर सा हुआ, उसको अलग अलग नाम लोग मानते हैं, अभी ये पुष्टि नहीं है कि एग्जैक्ट डिसीज क्या थी, लेकिन डेफ और ब्लाइंड ये हो गई। सकते हो हमारी जो स्काइप को UDN पे अपनी बात रख सकते हो, और ये वाकई बहुत फॉर्चुनेट और बहुत ही ऑस्पिशियस डे है हमारी कम्युनिटी के लिए, और जिस दिन हम इनको याद करते हैं। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है, लिसनर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ सैफ सर हैं। सैफ सर आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए ये दिन बहुत ही मुबारक है, खास तौर पे इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह से हम अभाव में भी अपना प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये अभाव के प्रभाव का असर है जो आज हम सब इस पर्व को मनाने के लिए जुड़े हैं। कितने अभाव थे उन पर और किस प्रकार का प्रभाव उन्होंने डाला और जिंदगी को जिया, अपनी शर्तों पर जिया और कामयाबी के साथ जिया। हम यही सब लोगों से कहेंगे कि जिंदगी में कभी हार न माने, क्योंकि हार कभी आपको कोई फल नहीं देगी। हार आप में एक उत्कंठा पैदा कर देगी, एक कुंठा पैदा कर देगी कहना चाहिए मुझे, और वो कुंठा आपको एक ऐसे गार में ले जाएगी जिस गार से हम कभी बाहर नहीं आ सकते। इसलिए हारें कभी नहीं, हार को हराइए और जीत पर जीत हासिल कीजिए, बस इतना ही कहेंगे जी। सोनी साहब,
जी हेलो 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 जी ओके मेरी आवाज आ रही। तो मैं यही कहूंगा कि हेलेन केलर जो वो पहली डेफ ब्लाइंड थी जो ग्रेजुएट हुई थी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स में, पहली डेफ ब्लाइंड थी वो, और उनकी जो टीचर थी मेरे ख्याल से एनी सेल्वन, यस, उन्होंने जितनी उनके साथ मेहनत की थी हेलेन केलर के साथ, और उस मेहनत का नतीजा ये था कि हेलेन केलर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनी और एक लेक्चरर बनी, सोशल वर्कर बनी, और डेफ ब्लाइंड फील्ड में एक नई साइन लैंग्वेज उनकी वजह से इजाद हुई जिसे हम कहते हैं ASL, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, वन हैंडेड साइन लैंग्वेज। उन्हीं की वजह से वो इजाद हुई जिसे आज दुनिया भर के डेफ ब्लाइंड लोग यूज करते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है और हम रेडियो डान की पूरी टीम की तरफ से सभी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो जर्नलिस्ट भी थी, वो पहली जर्नलिस्ट, डेफ एंड ब्लाइंड जर्नलिस्ट थी। बिल्कुल जी। तो निशा जी, विकास जी, जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एंड कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत मुबारक सबको। इट्स अ वेरी बिग डे, रेड लेटर डे इन द कम्युनिटी ऑफ ऑल द डिसेबल्ड, सिर्फ ये विजुअली इम्पेयर्ड या डेफ एंड डम के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए। और हेलेन केलर के बर्थडे पे मुझे दो तीन बातें स्पष्ट रूप से कहनी है। फर्स्ट थिंग इज, हम सब लोग हेलेन केलर के बारे में बहुत बात करते हैं, मगर जैसे पुनीत ने कहा, we often do not give due credit to the person who worked behind her, Anne Sullivan, क्योंकि उस उनके अपने माँ बाप भी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, मगर Anne Sullivan was able to understand and communicate with Helen Keller the way no one else could do in her entire life. तो उनको भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए, almost not, if not more, मुझे लगता है वो equal हकदार हैं। अगर कोई ना, क्योंकि बार हम बहुत बार देखते हैं कि इनको ये क्रेडिट नहीं मिलता ऑफन। सेकंड थिंग, हेलेन केलर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि वी हैव एवरीथिंग, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन इज बेटर, मगर सोचिए 120 साल पहले या 100 साल पहले भी एटलीस्ट क्या था हमारे पास। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट शी वॉज एबल टू कॉन्कर द वर्ल्ड। आजकल हम एक गांव में अपना नाम हो जाए तो खुशी से कूदने लगते हैं ना, हम लोग बहुत उसका हो अल्लाह करते हैं, बट शी वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ पर्सन, अ वर्ल्ड सिटीजन। तो उनको वो क्रेडिट देना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग, मुझे लगता है ये बड़ी नहीं होगी अगर मैं ये बात कहूँ तो, आई थिंक दिस डे शुड बी रिकग्नाइज बाई द UN एज द इंटरनेशनल डे ऑफ इंस्पिरेशन। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों से बड़ी कोई इंस्पिरेशन होगी वर्ल्ड में, क्योंकि सबके पास सब कुछ होता है और संसाधन और साधन होने के बाद अगर वो कुछ अचीव करते हैं तो इट्स नॉट ग्रेट, बट जो ना होते हुए, कमी होते हुए जो लोग अचीव करते हैं, दैट इज समथिंग, वन थिंग। एंड वन मोर थिंग फॉर दोस, हम कभी कभी हम सेल्फ सिंपथी करते हैं, कभी कभी दूसरे हमारे ऊपर जानबूझ कर सिंपथी ठोकते हैं, अरे आपको बुरा नहीं लगता, आपको नहीं दिखता है, डू यू एवर फील बैड, आपको कभी पछतावा हुआ है क्या? तो मुझे एक बात याद आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 1990 या 1991 उस पीरियड के दौरान अगर आप बड़े थे तो कभी अपने मोबाइल फोन की कमी महसूस की? तो वो कहते हैं नहीं। ये बात क्या है कि तब उनके पास मोबाइल फोन नहीं थे इसलिए कभी कमी नहीं थी। तो जो लोग विजुअली इंपेयर्ड बाय बर्थ है, तो डोंट गेट कैरिड अवे इन दैट सिंपथी। अगर वो आपको सिंपथी दिखाते हैं तो प्लीज डू नॉट गेट कैरिड अवे। उनको कुछ ऐसा समझाइए कि वी डेफिनेटली डू नॉट सीक सिंपथी, वी जस्ट सीक एम्पथी, यू अंडरस्टैंड अस and treat us as your equals. तो ये थोड़ी चीजें थी, मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं कहता हूँ बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट आपने उठाए हैं, और UN में बिल्कुल इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है, अभी अगर हम अपने सेक्टर की बात करें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है आज की डेट में हमारी तीन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ने भी इस प्रोग्राम को ही सुनने को नहीं आया कि ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक। तो इसके जितने करें प्रोग्राम करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डे है, आपको मीडिया कवरेज भी मिलती है, लोगों को सेंसिटाइज आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे कर सकते हैं।
हमारे साथ वरुण है, वरुण जी। तानिश गुड इवनिंग सभी को, सभी लिसनर्स को और हमारी टीम को भी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी को, और दूसरा दानिश ये कि जैसे कि बताया गया कि वो डेफ और ब्लाइंड थी, तो कितनी मुश्किलों का सामना उन्होंने किया होगा। जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे हमारे पास भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो और जब वो थी तब उस टाइम पे कितनी उनके पास चैलेंजेस होंगे, आज से तो बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस उनके सामने होंगे। तो इसीलिए वो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने काम किया डिसेबिलिटी के लिए। और दूसरा ये कि जैसे कि विकास जी ने बोला कि जो भी आपके पीछे होता है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं भी अपनी लाइफ में जितना भी अभी तक मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ वहाँ तक मैं अपना मम्मा और जो मेरे राइटर हैं मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, कि क्योंकि मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी, कि क्योंकि जब मैं राइटर ढूंढने के लिए जाता था तो उस टाइम पे राइटर पहले तो हाँ कर देते थे, लेकिन एंड टाइम पे आकर के राइटर्स मना कर देते थे कि भाई नहीं हम नहीं जा सकते, ये अभी हमारा सर्टिफिकेट क्यों लिया जा रहा है, लेकिन कुछ समझता ही नहीं था इन सब चीजों को। तो मैं इसीलिए अपनी जो जो मेरे राइटर्स हैं उन सबको मिला जुला क्रेडिट देता हूँ, मम्मा को भी मुझ और राइटर को भी बिल्कुल। जी सुलेवन जी की जो हम बात करें टीचर, शायद ये कोट हेलन केलर जी का उन्हीं को समर्पित है कि वॉकिंग विद फ्रेंड इन द डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन द लाइट। और सुलेवन जी की एक बात और भी है विकास जी की, जो हेलन केलर जी का बचपन था वो बचपन में बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत जिद्दी थी और बहुत शॉर्ट टेम्पर भी थी, तो बहुत सारे टीचर हैं जो ऐसे बच्चों को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते और हार मान के चले जाते हैं। तो हैविंग सेड दिस कि इतनी एडवर्स सिचुएशन है, उन्होंने एक अजीब तरह का कॉन्फिडेंस था कि मुझे टीच करना है। एक चीज नहीं, उनके लिए तो यही है ना। हाँ, एक चीज होती है कि आप डेफ एंड ब्लाइंड है, दूसरी चीज है कि आप बहुत जिद्दी हैं, आप बहुत शॉर्ट टेम्पर हैं, आप कुछ जीरो हैं अभी, तो उस सूरत हाल में बाकी जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो बहुत ही महानतम काम उन्होंने किया है। नहीं एक्चुअली दानिश, सब लोग बोलते हैं टीचर इज समवन हु शेप्स द डेस्टिनी ऑफ हिज पीपल, ये कहते हैं, मगर सही तौर पे उसे करके जी के दिखाया आंसर लेवन। मुझे लगता है सब लोग उस बात से सहमत होंगे। तुम अगर ये एक और मुझे लगता है आज बहुत सारे इंटरनेशनल डे, मगर अगर इंटरनेशनल डे ऑफ टीचर्स अगर किसी को ये करना है तो इनका बर्थडे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या कुछ ऐसी यूएन कोशिश करे तो ये भी अच्छा होगा, बिकॉज ये टीचर ने स्टूडेंट का सिर्फ भविष्य नहीं, उसका पूरा भविष्य वर्तमान सब कुछ सवारा और एक स्टूडेंट को एक इंसान बनाया, सिर्फ पढ़ाया नहीं उसे एक इंसान बनाया, एक पहचान अगर आज हेलन केलर को मिली है तो उसका पूरा श्रेय हैंस इलेवन को जाता है। जी दिव्या हमारे साथ हैं, दिव्या वेलकम। हेलो दानिश एंड हेलो टू एवरीवन, पहले तो सभी को कांग्रेचुलेशंस हेलन केलर जी के बर्थडे पे। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा कि रेडियो उड़ान हमेशा की तरह ये कंसेप्ट, मतलब आज भी जो ये ट्रांसमिशन है लाइव कर रहा है, बिकॉज मैंने भी सुबह से देख रही थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अदरवाइज भी किसी भी कम्युनिटी ने ये कोई प्रोग्राम इस मतलब कि इस डे पे नहीं किया। हाँ मित्रा जो वगैरह तो उन्होंने आज कुछ किया आई थिंक, बट अदरवाइज आई डिडंट गेट टू नो अबाउट एनीथिंग। तो इट्स अ गुड थिंग कि हम रेडियो उड़ान पे सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हेलन केलर का जो क्योत तो उनके बहुत अच्छे हैं, बट एक जो बहुत ही खूबसूरत थॉट मुझे लगता है वो ये है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट आउट देयर, इट इज इन मी। तो ये जो थॉट है ये अपने आप में सब कुछ मतलब एक चीज दिखा देता है कि जो भी है मेरे में ही है। और उन्होंने आई थिंक ये चीज अपनी लाइफ के थ्रू हर लाइफ शी हैज शोन कि हाँ जो भी था उनके अंदर ही था, और उन्होंने इतने लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और उनके लिए रास्ते खोले। तो हैट्स ऑफ टू हर। यस दानिश बिल्कुल एग्जैक्टली। अब निशा जी हमारे साथ हैं, निशा जी। या गुड इवनिंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस स्पेशल डे। और वो हेलन केलर जी इतनी लाइक ग्रेट पर्सनालिटी है, मैं क्या कहूँ उनकी। उनका ही एक थॉट ये है कि अगर आपको अपने करेक्टर को डेवलप करना है तो आपको अपनी सोल को स्ट्रेंथन करना है तो आपको ट्रायल से गुजरना होगा एक्सपीरियंस और सफरिंग के। इजीली आपको कभी कुछ नहीं मिलता,
अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आप अपनी सोल को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लाइफ में कुछ पा सकते हैं, अपने एम्बिशंस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज स्पेशल डे पर मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई एम है तो उसे पाने के लिए एफर्ट्स कीजिए, अपनी सोल को स्ट्रेंथन कीजिए, अपने थॉट्स को बिल्कुल प्योरिफाई कीजिए और आप अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। जी हाँ जी, आई थिंक हमारे साथ जोनी जी भी हैं और लिसनर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमारी स्काइप आईडी RADIO UDWN पर अपनी विशेष कन्वे कर सकते हैं आज इस बहुत ही स्पेशियस डे पे। जोनी आप हमारे साथ हैं? जी दानिश जी मैं हूँ जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेडियो उड़ान, ये आपने एक बहुत बढ़िया मौका ये जो है आज, जो शायद किसी को भी ख्याल में नहीं रहा होगा हमारी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आपने पहले भी बोला, बहुत खुशी हो रही है कि, और आजकल जैसा हम देखते हैं कि हेलन केलर के बारे में स्कूल्स में भी इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, और मैंने जहाँ तक नोट किया हमारे जैसे ज़्यादा तो नहीं ब्लाइंड स्कूल्स में देखें तो शायद बहुत स्टाफ भी ऐसा कम होगा जिसको हेलन केलर के बारे में पता होगा, लेकिन जब सुनते हैं उनके बारे में तो बहुत एक हैरानगी भी होती है और एक अंदर से सल्यूट निकलता है उनके लिए, और उनसे ज़्यादा जैसे पहले आप लोग बात कर रहे थे कि उनके टीचर के लिए, है ना, जिन्होंने इतना संघर्ष किया होगा, कैसे उन्होंने पढ़ाया होगा एक डेफ और ब्लाइंड को, वही जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में, जैसे हेलन केलर जी के बारे में, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको, है ना, बताना चाहिए, स्टडी में हो सके तो इसे शामिल करना चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को और अभी जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं सबको पता चले कि कैसे कैसे महान लोग हमारी डिसेबिलिटी कम्युनिटी में हुए हैं। जी, और जैसे पुनीत ने कहा कि इन्होंने साइन लैंग्वेज को इजाद किया ये, और ब्रेल लैंग्वेज को लिब्रेल ने किया। विकास जी आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात की थी कि मैं आपसे एग्रीड करता हूँ कि शायद बहुत सारी जो डिसेबल कम्युनिटी सेक्टर है अब तो बहुत बड़ा हो गया, 21 कैटेगरीज आ गई हैं, तो पहले 7 कैटेगरीज थी, तो उन 7 में से आई थिंक जो डेफ एंड ब्लाइंड है वो ही एक ज़्यादा, जो जहाँ पर भी हेलन केलर नाम के स्कूल हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ वो एक बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करती हैं फंक्शन या लोगों को अवेयर करती हैं, बाकी जो सेक्टर है इतना सल्यूट तो सब करते हैं और सल्यूट निकल जाता है, एक्चुअली करने वाली बात ही नहीं है, जब भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो सल्यूट तो निकल ही जाता है, लेकिन डेडिकेशन उनके नाम को लेके वो बहुत कम रहती है, बहुत कम फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो नहीं दानिश, ये तो एक बात है। हाँ, कंप्लीट कीजिए। आपको क्या लगता है? मैं यही पूछ रहा था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी बात ये सही है, अगर आप वो आप देखें, अगर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड हैं या जो फिर मेंटली रिटार्डेड है, अगर उनकी कम्युनिटी का कोई नाम है तो एटलीस्ट उनको डेडिकेट करके भी कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अगर नहीं तो वी शुड नो एक्नॉलेज समवन हु हैज डन समथिंग यूनिवर्सली। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड या सिर्फ हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड के लिए काम कर रहे हैं, इनफैक्ट वो पूरे वर्ल्ड में जाके घूमिए। तो यहाँ पे हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, वी शुड अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज some of the icons of the entire disabled community. हमें एक disabled community की तरह काम करना चाहिए, ना कि ये आप जो जी जी continue विकास। विकास जी आप हैं हमारे साथ? जी पुनीत, आई थिंक कुछ टेक्निकल। जी हाँ दानिश जी, नहीं सर, हेलन केलर वॉज एक्चुअली अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, यू नो, जब वो बहुत छोटी थी और उन्हें अपनी मदर से आइसक्रीम चाहिए होती थी तो वो फ्रिज के पास खड़ी हो जाती थी और शिवर करती थी सो दैट शी कुड नो कि मुझे कुछ ठंडा आइसक्रीम चाहिए, तो उनकी मम्मी को समझ आ जाता था और वो फ्रीजर में से निकाल के उनको आइसक्रीम दे देती थी। That way, मतलब वो छोटे छोटे जेस्टर से अपनी बात को समझाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करती रहती थी हमेशा, मतलब हम क्रेडिट पूरा टीचर को दे रहे हैं
बट आई सपोज कि एक टीचर की मेहनत के साथ अगर बच्चा सीखे ना तो टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगी. उनके अंदर एक बहुत ज्यादा लाइक था कि मेरे को सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है. तो वो हमेशा बहुत एंथुजियाज्म के साथ, एनकरेजमेंट के साथ क्लास में जाती थी और बहुत स्ट्रगल करती थी पढ़ने के लिए. जब क्लास में टीचर लाइक लेक्चर देती थी तो उनकी जो टीचर थी मिस सोलोमन, वो उनके हाथ पर वो लेक्चर लिखती रहती थी और वो साथ साथ लर्न कर लेती थी उस सबको. लाइक इतना शार्प ब्रेन था उनका. दानिश आ रही है मेरी आवाज? जी पुनीत, बिल्कुल. और यहाँ पर ये ऐड करूँ एक बात की, जैसे इन्होंने कहा, और कोल्ड शब्द उन शब्दों में से था जो उन्होंने पहले 30 शब्द सीखे थे. और मैं यहाँ पर उन्होंने शायद फर्स्ट वर्ड एन सेलेवन जो थी वो खुद भी एक विजुअल इम्पैक्ट थी. वो भी एक विजुअल इम्पैक्ट थी, ब्लाइंड थी. और जो आपने पिछला सवाल पूछा था, मेरी आवाज शायद उस टाइम आ नहीं पाई थी, तो मैं ये क्लियर करूं कि डेफ ब्लाइंड लोगों के साथ जितना काम करना मुश्किल है, आप ये समझ लीजिए जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं ना, अगर वो लोग हाइपर होते हैं तो सेम केस डेफ ब्लाइंड के साथ भी होता है. वो लोग भी उतने ही हाइपर होते हैं. जब आप अपनी बात समझा नहीं पाते ना, yes. तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा. तो इनको भी होती थी, इनको भी होती थी कई बार अपनी बात नहीं समझा पाती थी तो इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी. वो बहुत बिहेवियर में वाइल्ड थी बिगनिंग में. इन्होंने अपने टीचर को बहुत मारा है, बहुत उनकी टीचर ने फिजिकली बहुत हार्म किया है. ट्रू, बहुत ज्यादा. और आप जब फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं या प्रोग्राम्स करने की बात करते हैं, ये सब इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि डेफ ब्लाइंड लोगों के साथ हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट ही नहीं करती है. प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है. सल्यूट तो ठीक है लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं है तो कुछ होगा क्यों. सही बात है जी. उनको बच्चे बहुत पसंद थे, उनको स्केलिंग करना बहुत पसंद था. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके नाम का अवार्ड देती हैं, जैसे एनसीपीडी भी एक हेलन केलर अवार्ड देती हैं और वो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय द ऑर्थोपेडिक मिस्टर जावेद अवेदी, वन ऑफ द यू नो वेरी फेमस डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट. तो इस तरह की बहुत ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस में भी है जो अवार्ड्स रखती हैं. लेकिन इस दिन पे जिस तरीके के सेंसिटाइजेशंस के प्रोग्राम होने चाहिए स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम स्कूल में, देखो डिसेबल कम्युनिटी में आप फिर भी चलो पता है, नाम सबने सुना है उनके बारे में है, बुक्स बनी है, ब्रेल में बुक्स हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में, मूवीज बनी है. लेकिन इस दिन ज्यादातर हमें सभी को ही अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एरियाज की मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाके उनकी लाइफ के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं जो हमारा पर्पस है वो प्राप्त होता है हमें. जी जी जी. तो हम लोग ये कह रहे थे कि जितनी हमारी जैसे ऑर्थोपेडिकली की आप बात कर रहे थे, आप कंटिन्यू करें फिर हम शायद. जी मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दी, शायद मेरा आप लोगों से कनेक्ट नहीं, हमारे पास नहीं आई बात. हाँ. जी हमसे कट गई थी. जी मैं यही कह रहा था कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके नाम पे अवार्ड तो जरूर डेडिकेट करती हैं, और इस दिन का जो इस दिन पर सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम उस लेवल के नहीं होते हैं. और सेंसिटाइजेशन से मेरा मतलब यही है कि इस दिन हम सिर्फ डिसेबल कम्युनिटी को एजुकेट ना करें, क्योंकि उन्होंने तो फिर भी सुन रखा है हेलन केलर जी के बारे में, बहुत हमारी बायोग्राफीज हैं ब्रेल में, ऑडियो में, मूवीज हैं. इस दिन का हमारा मेन पर्पस है अपने अपने एरियाज के स्कूल में जाके जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं उनको हम एजुकेट करें, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, तब हमारा पर्पस सॉल्व होता है. जी बिल्कुल दानिश. और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मेरे सन को 8th क्लास में हेलन केलर की नॉवल लाइक लगाई गई थी, सब बच्चों को ये नॉवल पढ़ाई गई थी, तो इट वाज वेरी गुड. मुझे जब पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से. अभी भी एनसीईआरटी की बुक्स में हेलन केलर और ब्रेल और साइन लैंग्वेज के चैप्टर्स आपको अभी भी मिल जाएंगे. बिल्कुल, उनको पूरी नॉवल थी कोर्स में कि आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है, तो इट वाज गुड. अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो आई सपोज सब लोगों को पता चलेगा और बच्चों के अंदर भी सेंसिटिविटी बढ़ती है जब वो पढ़ते हैं कि ऐसे कोई डेफ ब्लाइंड भी ये सब कुछ कर सकता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है. बेशक. और थोड़ा रोल मीडिया का भी बनता है, ये प्राइवेट मीडिया वाले इतने शो 24 आवर्स न्यूज चैनल चलाते हैं. जी उनके ऊपर हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, तो मेडिकल वर्कर क्या करना है. तो जिक्र भी नहीं होता है, ऐसे डेज आते हैं चले. नहीं, मीडिया को पता ही नहीं होगा कि एक शो को या एक न्यूज आइटम को 10-10 बार चलाते हैं रिपीटेड, तो दे डेफिनेटली अफोर्ड कैन अफोर्ड टू गिव सम 10 मिनट्स और 15 मिनट्स इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए. तो सेंसिटिविटी थोड़ी एजेंडा ऑफ मीडिया.
वो यही प्रॉब्लम है ना। दिव्या एक बात मैं पूछूं तो आपको क्या सीखने को मिलता है उनके व्यक्तित्व से, तो वो क्या एक चीज होगी जो आपको हेलन केलर जी के व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है? दानिश वो तो एक सिंपल सी चीज है पर वही उतनी ही मुश्किल है कि नेवर गिव अप जो एटीट्यूड है, जो उनकी हर चीज में, जैसे उनमें गुस्सा बहुत था पर उन्होंने फिर भी मतलब अपना जो लगन थी इतनी डिस्पाइट सो मेनी ऑड्स ही नेवर गिव अप, तो वो जो गिव अप करने वाली जो जज्बा था, जो एटीट्यूड था, वो वाला एटीट्यूड तो उनसे सीखना है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज लगती है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ और यही यहाँ गुस्से वाले को बोल रहा हूँ, तभी यहीं पे हैं, गुस्से वाले को करने की कोशिश कर रही हूँ। दानिश मैं आपसे सीख रही हूँ। थैंक यू, प्लेजर। जी तो जोक्स अपार्ट, तो उनकी ये बात जो बहुत ही सिंपल है कि नेवर गिव अप बट उतनी ही मुश्किल भी है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी आप क्या इंस्पिरेशन लेते हैं हेलन केलर जी के व्यक्तित्व से? नहीं वो हेलन केलर से तो बहुत सारे ले, मगर मुझे तो फर्स्ट रेजिलियंस ही याद आता है, रेजिलियंस एंड क्रिएटिविटी। उन्होंने समझा है, देखो जैसे निशा जी बोल रही थी फ्रिज के पास जाना है आइसक्रीम चाहिए तो खड़ा होना है, ठंडा चाहिए इसके लिए शिवर करना है, ठंड लगती है तो शिवर करना। कौन सा 8 साल का बच्चा इतना इमेजिन करके एक अपनी बात कम्युनिकेट करता है मुझे बताओ। और जैसे ही सिंपली अमेजिंग, वाटर शब्द के बारे में पता लगा कि इसको वाटर कहते हैं पानी को, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने नीचे जमीन को हाथ मारा और पूछा इसको क्या कहते हैं फिर, अगर पानी को ये पानी है तो ये जो नीचे में है हमारा ये क्या है, तो ये अर्थ है। तो मतलब एक बहुत शार्प माइंड था, सीखने की जो कला थी वो बहुत अमेजिंग थी। आई थिंक हमारे साथ ठाकुर साहब जुड़ गए हैं। ठाकुर जी, ठाकुर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी थोड़ा सा माइक अपने फेस से दूर करके। जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है जी? जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, हेलन केलर जी के विषय में जैसे बात हो रही थी तो यहाँ पे बात हुई कि किताबों में उनके विषय में जानकारी दी जानी चाहिए, तो बिल्कुल अभी आज से 2 वर्ष पूर्व पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है प्लस टू की उन्होंने अंग्रेजी की किताबें चेंज की हैं, तो उसमें उन्होंने हेलन केलर जी की पूरी एक लाइफ स्टोरी पेपर उन्होंने एक लेसन बनाया है, चैप्टर बनाया है। तो आपने भी बात की थी कि नॉर्मल स्कूल्स में मतलब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो कम से कम पंजाब में प्लस टू हम वो बात नहीं कर रहे हैं, ये हेलन केलर जी को पढ़ाया तो मतलब बाकी शुरू से भी जाता है, 4th-5th में भी इनके चैप्टर्स हैं और एनसीईआरटी का हमने जिक्र किया। मैंने क्योंकि देखा राजेंद्र सिंह जॉनी जी को भी सुना था, आपको भी सुना था जी। तो हाँ नहीं, वो सेंसिटाइजेशन वो तो जरूरी है, वो तो जितने मैं मानता हूँ कि जितने लोग डिसेबल या डिफरेंटेबल वट एवर यू कैन से वो लोग नॉर्मल फील्ड में जाएंगे तो वही सेंसिटाइज कर सकते हैं, तो सीधा सीधा तो यही है मेरे पास जी। जी तो बाकी आप तो अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ आपको। नहीं बहुत थैंक यू आपका। तो आपको क्या इंस्पिरेशन इनसे मिलती है? और हिमाचल में अगर हम बात करें तो खास तौर पे 27 जून को हमेशा से फंक्शन किया जाता है हेलन केलर जी की डेडिकेशन को लेके, तो इस बार क्या वो प्रोग्राम हो रहा है, कुछ अपडेट आपके पास? नहीं सर, शिमला में, हाँ बिल्कुल सही बात है आप बोल रहे हैं, शिमला में होता है बट इस बार मुझे भी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अमूमन होता है इसमें कोई संदेह नहीं है जी। और जहां तक मेरी इंस्पिरेशन है सर, हम रोल मॉडल इधर उधर ढूंढते रहते हैं, आई ऑलवेज बिलीव कि हेलन केलर से बढ़िया रोल मॉडल और बड़ा रोल मॉडल कोई है ही नहीं दुनिया में जी। दानिश हेलन केलर से एक चीज मैंने हमेशा सीखी है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, हमेशा जिंदगी में स्ट्रगल करते रहो तभी आप कामयाब होगे, जो उन्होंने किया वही हमें करना होगा। और हेलन केलर जी से कहते हैं एक जो किलिंग इंस्टिंक्ट है ना वो उनसे सीखने को मिलती है, आप में अगर किलिंग इंस्टिंक्ट है तो समझे आप केलर से आपने वो किलिंग इंस्टिंक्ट ली है। यस बिल्कुल। और यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगा कि 27th of June को हेलन केलर का बर्थडे होता है और 1st of June को हेलन केलर की डेथ एनिवर्सरी है जी। तो ये एक ही महीने के अंदर 2 दिन है उन्हीं के लिए, और 1880 को उनका बर्थ है और 1987 को उनकी डेथ एनिवर्सरी, सॉरी तो ये भी एक तरह का 1967 तो ये कोइंसिडेंट है कि एक ही महीने में उनके डेथ एनिवर्सरी भी है और बर्थ एनिवर्सरी भी है।
वैसे जैसे मैं पहले बिगनिंग में मैंने जिक्र किया था, तो कुछ बायोग्राफीज में 67 और 68 को लेके भी थोड़ा सा वो है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में, खासतौर पे अमेरिका में अगर हम बात करें, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके ऊपर बायोग्राफी ली है और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सबने अलग अलग अपनी, ज्यादातर चीजें सेम है लेकिन कुछ जो फैक्ट्स है अलग अलग उन्होंने टीचर्स के या उनकी लाइफ के इंसिडेंट्स को, तो अमेरिका फाउंडेशन जी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग उनकी बायोग्राफी वो उनकी अपनी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो सबसे इंटरेस्टिंग। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मासा राजीव जी भी जुड़े हैं। नहीं तो दोस्तों आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी RADIO UDAAN। और एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट के आएंगे और हेलेन केलर जी की लाइफ के ऊपर इसी तरीके से अपनी जो कवरेज है उसको कंटिन्यू करेंगे। दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून। वेलकम बैक। और हम हेलेन केलर जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी कम्युनिटी की ओर से। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी स्काइप आईडी RADIOUDAAN। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने तमाम एडवर्सिटी में, तमाम एडवर्स सिचुएशंस में जिंदगी को जिंदगी की तरह लिया और जीने के मादे के साथ जिया। 1880 उस दौर में जब हर कई जगह पर लड़ाई लगी हुई थी, कोल्ड वॉर्स चल रही थी, दूसरा विश्व युद्ध भी उसके बाद हुआ, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों में डेफ और ब्लाइंड, जो पहले कभी शायद किसी ने सुना भी नहीं था, उसमें हेलेन केलर जी का जन्म हुआ 1880 अमेरिका में। 1882 में उनकी फैमिली को मालूम हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये, इनके आगे हम हाथ घुमाते हैं तो ये कोई सिग्नल नहीं देती है, जा इनको सुनता नहीं है कुछ बोलने पर भी, तो उसके बाद डायग्नोस किया गया इनको। 1887 में इनके पास टीचर आए, वहां से इनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद इन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से स्टडी की, कैम्ब्रिज कॉलेज फॉर द लेडीज, वहां पर इन्होंने ग्रेजुएशन की, प्रिपेयर किया अपने आप को। फिर ये राइटर, एजुकेटर और जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने वर्ल्ड को काफी सारी चीजें डेडिकेट की, तो उन पर हम बात कर रहे हैं। इनके पिता जो थे वो कैप्टन थे आर्मी में, सिविल वॉर में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन फैमिली की काफी सपोर्ट थी और टीचर्स की काफी सपोर्ट इन पर थी। जी मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हेलेन केलर, जैसे कि आप खुद जिक्र कर रहे थे, एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, देखिए उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो आने वाली नस्ल को ना करना पड़े। और आपको याद होगा दानी जी की इसी तरह की एक फिल्म भी बनी थी हमारी बॉलीवुड हिस्ट्री में, ब्लैक, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी। बिल्कुल सही। तो वो फिल्म भी उसी कंसेप्ट को लेकर के बनाई गई थी और हेलेन केलर ही उनका आइडियल रही। और एक बहुत अच्छा प्रयास था ये संजय लीला भंसाली का बॉलीवुड इंडस्ट्री में। खैर अब मैं हेलेन केलर की बात करता हूं, तो हेलेन केलर जब 87 में उन्होंने स्टडी शुरू की थी
तो उनकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल था उनके लिए। कभी उनको किस स्कूल में रेफर किया जाता था, कभी कहां भेजा जाता था। लेकिन जब उनको एन सेल्वन मिली, उन्हें बोला गया कि आपको इस लड़की के साथ ट्रीट करना है, तो उन्होंने पहली बार उनकी पाम पर कुछ शेप्स बनानी शुरू की। और जब उन्होंने उनकी पाम पर शेप्स बनाई हेलन केलर की, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि हेलन केलर जो है वो इंजॉय कर रही है, शी इज इंजॉइंग। तो उन्होंने ये जिम्मा ले लिया कि ठीक है, मैं इसको टीच करूंगी। और एन सेल्वन और उसके हस्बैंड दोनों इतने डेडिकेटेड थे हेलन केलर के साथ कि जब तक एन सेल्वन रही वो उनके साथ रही। बहुत लंबा वक्त उन्होंने हेलन केलर के साथ बिताया। और जहां तक मुझे याद है कि जब एन सेल्वन ने हेलन केलर को टीच करना शुरू किया था, आई थिंक शी वॉज 21, वो 21 साल की थी वो उस वक्त। और उसके बाद हेलन केलर की जो जिंदगी चली, और ऐसे चली कि उन्होंने फिर कई सारे नॉवल्स भी लिखे, कई आर्टिकल्स लिखे वहां उस वक्त की मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, कई सारे प्रोज लिखे। और अपनी जो 21 साल तक की उम्र की कहानी उन्होंने लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ, मेरी जीवन कहानी। और अपने विजुअल इम्पेयर्ड साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये ऑडियो में भी और ब्रेल में भी दोनों स्क्रिप्ट्स में अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इसे लेकर के NIVH से पढ़ सकते हैं, और टेक्स्ट में तो इजीली मिलती ही है। एक मुझे, अगर मैं कहूँ तो मुझे एक थॉट याद आ रहा है जो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी पे बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि करेज इज नॉट डिफाइंड बाय दोज हु फॉट एंड वन, करेज इज नॉट डिफाइंड हु फॉट फेल एंड रोज अगेन। तो मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ, कि हौसले को वे लोग परिभाषित नहीं कर सकते जो लड़े और जीते, बल्कि हौसले को वे लोग परिभाषित कर सकते हैं हेलन केलर जैसे, जो लड़े, गिरे और फिर उठ खड़े हुए। शी इज वन ऑफ देम, एज दे से देयर आर मेन एंड वन या विमेन एंड विमेन, बट एवरी विमेन इज नॉट जेम, विमेन आर एवरीवेयर बट लाइक अ हेलन केलर इज वेरी 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 रेयर। और विमेन के लिए तो वैसे भी उस वक्त मौके बहुत कम थे, जो उनका टाइम है, हेलन केलर का जो टाइम था उस वक्त, तो विमेन को इतना सपोर्ट भी नहीं था जितना कि हेलन केलर ने अपने लेवल पे करके दिखाया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें बाकी कम्युनिटी को, डिसेबल कम्युनिटी को, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज के दौर में हमारे साथ सब सहूलतें हैं, हर तरफ से स्कॉलरशिप है, रिजर्वेशन है, इक्विपमेंट्स हैं लेटेस्ट, बावजूद उसके डेडिकेशन की, जो लर्निंग की कमी है, या जो एक पोटेंशियल होनी चाहिए सीखने की, या एक जो डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए आगे बढ़ने की, कम्युनिटी को लीड करने की, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। राइट। और वो हेलन केलर, आजकल हम कहते हैं कि जी हमें कोई एग्जाम देना है तो हमें राइटर नहीं मिला, जी हम लोग क्या करें, लेकिन हेलन केलर अपने सब काम खुद लिख के किया करती थी, टाइप किया करती थी, अपने एग्जाम भी वो खुद देती थी, अपने लिए अपने आर्टिकल्स भी वो खुद लिखती थी, सब कुछ उन्होंने खुद किया, वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं रही अपनी लाइफ में। कुल मिलाकर सौ बात की, हाँ जी, एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जब भी हम उदास हों अपनी जिंदगी में, हेलन केलर को याद कर लें, उदासी दूर हो जाएगी। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि जिंदगी से जोड़ना बहुत जरूरी है। हम जितना मर्जी बोल लें, जब तक हम उनको अपनी लाइफ से नहीं जोड़ेंगे और उनको अपनी जीवन धारा में नहीं ढालेंगे, उनके विचारों को, उनकी सोच को, तब तक आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा हो पाएगा। तो ये सच है, फैक्ट है कि हम बहुत दुखी होते हैं एवरीबॉडी, बट अगर हम उनको देखें, उनकी सोच को देखें, तो मुझे लगता है कि दुख छू मंतर हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुख तो उन्होंने बहुत देखे। इस मौके पे तुम्हें कोई गाना डेडिकेट करना हो हेलन केलर जी को, तो कौन सा होगा? दानिश, गाना तो मैं डेडिकेट कर देती हूँ, गा तुम देना। हेलन केलर जी नाराज हो जाएंगी। नहीं नहीं, वो दिल पे नहीं लेती। और 7:40 वैसे गाना जो रुक जाना, नहीं वो अच्छा गाना है, तो तुम गा सकते हो तो गा दो। ओके, मैं तो नहीं गा पाऊंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है हेलन केलर जी को परेशान करने का, आप लोग हैं उसके लिए। और 7:40 हो चुके हैं और 20 हमारे पास है। अगर लिसनर्स आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस डे के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं, हेलन केलर जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, हमारी स्काइप आईडी RADIOUDN पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप फेसबुक के जरिए भी अपने मैसेजेस या ट्विटर पे भी हमें लिख सकते हैं। दिव्या, दो लाइनें तो बनती हैं।
दानिश अभी मेरा गाना मतलब आवाज साथ नहीं देगी अभी अभी मेरा काम हो जाएगा आज आज के हर सिंगर की प्रॉब्लम होती है दिव्या हर टाइम पर मेरी कभी कभी वी विल बियर योर वॉइस इट्स ओके कोई साथ में गा दे तो बढ़िया रहेगा हाँ पुनीत को बुलाते हैं तुम्हारी जैसी आवाज भी तो होनी चाहिए ना उसकी मेरे से इतना बुरा तो नहीं मेरे को लिरिक्स भी इतने क्लियर नहीं है ना इतने मतलब क्लियर नहीं है मुझे लिरिक्स भी तो पुनीत जी गाएंगे तो आई विल कंपनी हिम वैसे दिव्या जी एक मिनट मैम एक मिनट वैसे दिव्या जी उड़ान आइडल का ऑडिशन ही हो रहा है यू कैन सिंग इजीली यहाँ पर पुनीत जी भी कमी नहीं निकालेंगे और सर भी कमी नहीं निकालेंगे नो नो नॉट एट ऑल वैसे कमी इनमें होगी नहीं तो निकालेंगे कहाँ से बिल्कुल नहीं उनको डर लग रहा है ना इसलिए जजेस आ गए ना दो डोंट गेट स्कैर्ड चलिए मैम प्लीज चलिए मैं एक लाइन ही गा देती हूँ पर मेरा गला साथ नहीं दे रहा है तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपको सुन के पता लग जाएगा कि साथ नहीं दे रहा है असल में तो एनी हाउ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के मैंने गा दी बट मेरा साथ नहीं दे रहा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये डाउट क्लियर कर दूं शायद पुनीत जी और निशा जी और दिव्या तीनों ने बोला था कि इनकी जो डेथ हुई है 1967 में वो 1968 में हुई है और 87 ईयर के ये थे तब या 87 इयर्स की एज थी वो शायद और ये वैसे जब इंडिया आए थे तो शी वॉज गिवन अ रेड कार्पेट बहुत कम लोगों को ये बात पता है जब वो इंडिया आए थे शिवाजी ने रेड कार्पेट बिल्कुल 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 सही बात बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया था पंडित नेहरू द्वारा उनका बिल्कुल और ये उस वक्त के जो ब्लाइंड स्कूल था मैं बताना चाहता हूँ जो आजकल का बीआरए है उस टाइम पर बद्रपुर में होता था और उस स्कूल में भी ये गई थी और साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि उनका जो बर्थ प्लेस है एलेबामा में उसको एक म्यूजियम में बना दिया गया है वहां पर उनका म्यूजियम बन गया है ये भी एक अच्छी बात है जी और ये सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की मेंबर थी या राइट बिल्कुल सही इन्होंने मतलब अगर हम डिसेबिलिटी को छोड़ दें तो लेबर राइट्स के लिए इन्होंने लड़ाई की वीमेन सफरेज के लिए इन्होंने लड़ाई की सोशलिज्म के लिए इन्होंने लड़ाई की ये एंटी मिलरिज्म भी है लेकिन मुझे इसका कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है ये क्या है इनके इस तरह के तमाम सोशल इश्यूज जो इनको मिलते रह जाए जहां पर इनको लगा कि मुझे लड़ना चाहिए आई नीड टू स्टेप फॉरवर्ड तो ये आगे आई और सिर्फ अपने जो दायरे को इन्होंने डिसेबिलिटी तक सीमित नहीं रखा अपनी अमेरिकन असेंबली की मेंबर रही है ये मेंबर रही है अमेरिकन असेंबली की और एक बॉलीवुड का गाना भी है ना कि वो बिल्कुल ने सही किया कि जो हमारे इमेजिनेशन से परे हैं वो सब कुछ उन्हें करके दिखा दिया एक गाल तेरी सोच तो परे जो ने किया राइट जी जोनी जी बड़ी देर से आप खामोश है अभी कह सकते हैं कुछ जोनी जी शायद पल में नहीं है लेकिन जी दानिश एक ना बहुत ही अच्छा गाना था पर मुझे अभी लिरिक्स नहीं आ रहे नहीं तो वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग था इंग्लिश सॉन्ग है एक द क्लाइंब है मिली सारस का आई थिंक तो द क्लाइंब एक मतलब बहुत ही एप जाता है इनपे पर लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे फिर भी मैं अगर इजाजत हो तो एक लाइन गाना चाहूंगी उसकी बिल्कुल बिल्कुल ओके अकनोम से द ड्रीम आई एम ड्रीमिंग बट देयर्स अ वॉइस इनसाइड माय हार्ट सेइंग You never leave me. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, lost but no direction. My heart is shaking, but I gotta be strong. Gotta keep my heart high, 'cause there's always gonna be another market. There's always be another battle, but I have to go on. The struggles I'm facing, the chances I'm taking,
lost but no direction. My heart is shaking. I can almost feel the struggles I'm facing. But आगे मुझे लिरिक्स याद नहीं है, बट सब ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज. एब्सोल्युटली बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही डेडिकेट किया. और बिल्कुल ऐसे पर्सनालिटी को देख के तो वही बात है कि वो सिंगर कहते हैं माय हार्ट, हम बोलते हैं आर हार्ट गोज शाला ला ला ला. जैसे हो जाए माय हार्ट गोज शाला ला ला उनके लिए, हेलन केलर के लिए प्लीज. माई हार्ट गोज शाला ला 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 la 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 in the morning, sha la 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 just for you. Okay, sounds good. ये हेलन केलर जी के बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो काम करके दिखा दिया तो अल्फाज हमें कम पड़ रहे हैं तो फिर गाने का सहारा लेना पड़ रहा है जी. या फिर रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए और लौट के आएंगे. और हमारे पास 10 मिनट और हैं, आप लोग अगर चाहें तो अपनी विशेष कन्वे कर सकते हैं. दृष्टि दिव्यांग जन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम. शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार. आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल. राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून. बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज, 116 राजपुर रोड, देहरादून. जवानी जाने मन हसीन दिल रुबा, दम दम उड़ती है दुआ, सौ पंख लगा तेरे नाम के. ओ जा धीरे जाए राहे, हम संग है. ना जा कहीं अब ना जा, ये है तेरे गरम कभी खुशी कभी गम, तेरे बिना नहीं जीना मर जाना ढोलना. उड़ान आइडल 10 जून से हर शनिवार रात 9 बजे से ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हेलन केलर जी का जन्मदिन. 1880 में पैदा हुई एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई जिंदगियों के चिरागों को जला दिया और अब तक उनके बताए रास्ते पर लाखों लोग चल रहे हैं और अपनी जिंदगी को उजाला दे रहे हैं. तो हमारे साथ ठाकुर साहब बने हुए हैं, पुनीत जी हैं हमारे साथ, निशा जी हैं और दिव्या जी हैं, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. हमारे पास 5-7 मिनट है, आप लोग अपनी विशेष कन्वे कर सकते हैं. ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लिसनर्स की ओर से दिन है और हमें उस तरीके की पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रही, जबकि हमारी एक लार्ज जो ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो डिसेबल कम्युनिटी से हैं. तो वैसे जनरली आपकी प्रोग्राम्स में काफ़ी रुचि रहती है और आपकी पार्टिसिपेशन हाई रहती है. मे बी एक कारण हो कि आपको शायद उनके बारे में इतना ना मालूम हो, लेकिन अगर नहीं भी मालूम हो तो आपको अपडेट्स मिल रही हैं और साथ एटलीस्ट इस दिन को आप सेलिब्रेट करके विश तो कर सकते हैं जी. और ये हमारी कम्युनिटी के लिए, सर एक मिनट ये हमारी मैम एक मिनट प्लीज, ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक डी डे है जी. तो मैं लिसनर को कहना चाहता हूँ कि एक डी डे है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमें पता होना चाहिए. प्लीज निशा मैम, गो अहेड. बिल्कुल बिल्कुल, ये
मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर इनकी टीचर जो है मिस सोलोमन, इनको बहुत स्टोरी सुनाती थी, इनको बहुत मजा आता था स्टोरी सुनने में। फिर एक दिन इन्होंने बैठकर अपनी एक स्टोरी लिखी जो इन्होंने पब्लिश करने के लिए दी। उस स्टोरी की कुछ लाइंस किसी और स्टोरी से मिलती थी जो कभी शायद उनकी टीचर ने उन्हें सुनाई हो, जिस पर इनके ऊपर प्लेजरिज्म का आरोप लगा, इन्हें बुलाया गया, बकायदा इनसे क्वेश्चंस किए गए, इतना कुछ इनसे पूछा गया। ये इतनी डिसअपॉइंट हो गई कि उसके बाद काफी टाइम तक ये लिख ही नहीं पाई। इन्हें लगता था कि अगर मैं लिखूंगी तो ये किसी और की लाइंस ना हो, कहीं मैंने कुछ सुना हो वो ही ना हो। बट बाद में प्रूव हुआ कि इन्होंने वो खुद लिखा था, जिसे इन्हें फिर एनकरेजमेंट मिली और उसके बाद इन्होंने वापस लिखना शुरू किया। बिल्कुल, उनके दिल में एक डर बैठ गया था जिसकी वजह से उन्होंने काफी टाइम तक लिखी नहीं पाई। बट बाद में फिर वो उभर आई और उन्हें बेहद खूबसूरती से आगे लिखा काफी। बट हाँ, कुछ समय के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड रही वो। जी बिल्कुल, फेमस लोगों के साथ अगर थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो तो फिर होता ही नहीं है। तो कॉन्ट्रोवर्सीज थोड़ी सी सबके साथ रहती है, लेकिन इन्होंने ओवरकम किया, फिर उस फील्ड में आई और अपने आप को। और जो इनकी टीचर इनको ज्योमेट्री सिखाती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो पिल्लो लेती थी, उसके ऊपर वायर से फिगर्स बनाती थी, सर्कल्स और स्क्वायर्स, और फिर इनको समझाती थी कि ये फिगर्स होती हैं। लाइक उनके समझाने के तरीके, सिखाने के तरीके भी बहुत यूनिक रहते थे। Exactly. तो आई थिंक अब हमें आप सभी से क्लोजिंग कमेंट लेके इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना, अगला प्रोग्राम का सफर और उसके बाद इंस्पिरेशनल गेम्स और उसके बाद मौसीकी के सितारे, तो वो भी आप सभी का वेट कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारी ओर से एक सेलिब्रेशन थी हेलर केलर जी के जन्मदिन को लेके। निशा जी, आपसे शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हेलन केलर जी की लाइफ से अगर हम इंस्पायर नहीं हो पाए तो मुझे लगता है कि हम कभी इंस्पायर हो ही नहीं पाएंगे। इनकी पूरी लाइफ जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि हम हर एक चैप्टर से इनके जो हमने बुक पढ़ी है, आई सपोज हर किसी को वो बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और हर एक चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ थी इनकी, बहुत ही मोटिवेटिंग। जी हाँ जी, ठाकुर साहब परफेक्ट रोल मॉडल, थैंक यू। सोनी साहब, नेहा ये हमारे साथ जुड़ रही है। नेहा जी, पहले मेरे ख्याल से अगर आप उनसे कमेंट ले लें तो मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मैं इतना जरूर कहूंगा, जी कंटिन्यू कर, मैं तब तक इतना जरूर कहूंगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हेलन केलर ने कम से कम मुझे ये सिखाया है कि जिंदगी संघर्ष का नाम है, और अगर हम ये सीख लें, क्योंकि संघर्ष जितना हम जिंदगी में करेंगे सफलता उतनी ही हमारे हाथ लगेगी। बिल्कुल जी, नेहा जी स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, आप लोग रेडियो उड़ान को बहुत बहुत थैंक यू कि आप हेलन केलर के ऊपर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जानते नहीं है इतना उन्हें, मतलब अभी तक इतना अवेयरनेस नहीं था इनके बारे में। इवन मेरे को 7 बजे से पहले उनके बारे में इतनी डिटेल में नहीं पता था जितना मैंने अभी शो सुना, और अब मालूम पड़ा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं करा है हमारे लिए, और हमें सच सच उनके बारे में जानना चाहिए। एंड थैंक यू कि आप ये अवेयरनेस दे रहे हैं इस दिन पर, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो कि मतलब किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं, और जो कि लोग उन्हें इतने इयर्स के बाद भी याद रखते हैं, और ये डे उन्हीं के लिए होता है जो ऐसा काम कर जाते हैं। एंड सीरियसली बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, हेलन केलर ने। एंड आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमें अवेयरनेस दे रहे हैं इसके ऊपर। आप डिसेबल हैं या नॉन डिसेबल हैं? डिसेबल। तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? या श्योर। हाँ जी, मैं विजुअली इम्पेयर हूँ। तो आपने कभी हेलन केलर जी को नहीं सुना था पहले या उनके बारे में जानते? नहीं, सुना था मैंने बट इतना डीपली नहीं। मैंने जानती थी उनके क्वोट्स में, थॉट्स जो है उनके बहुत पावरफुल है, मैं पढ़ती हूँ उन थॉट्स को, बट इतना मुझे उनकी बायोग्राफी नहीं पता थी जितना मैंने आज यहाँ पर पता मतलब सुनी है मैंने इतनी। जी, और कुछ कोई मैसेज इस दिन पे आप देना चाहें? यही मैसेज है। एक्चुअली मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं होती हूँ कि मैं कोई मैसेज दूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ
एंड ये वाली स्पिरिट तो हेलन केलर जी के अंदर नहीं थी. बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी करा हमारे लिए, हमें उन्हें याद जरूर रखना चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें सीखना चाहिए. वो जो देकर गई हैं हमें उनका यूज करना चाहिए. जी थैंक यू सो मच. जी दिव्या. हाँ जी दानिश, मेरे क्लोजिंग कमेंट्स यही है कि हमें सबको अपने आप को ब्लेस्ड फील करना चाहिए, क्योंकि वी आर लकी कि हमें ऐसी एक मॉडल मिली, रोल मॉडल मिली, तो उनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है. और जिंदगी पूरी चाहे खत्म हो जाए तब भी काफी चीजें जो उन्होंने सिखाई हैं जो कि आज भी लोग नहीं कर पाते, तो वो तब करके दिखाया. तो इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट. शी इंडीड अ डायनेमिक पर्सनैलिटी, मतलब डायनेमिक समय के साथ उन्होंने इतनी चीजें बदली, तो हमें बहुत चीजें सीखनी चाहिए. तो मेरा बस यही है कि हम सभी उन्हें याद रखें. आज काफी लोगों ने जितनों ने भी मैसेजेस किए या फिर ज्वाइन किया, तो उन सभी को एक बड़ा सा थैंक्स, क्योंकि ये सेलिब्रेशन एक अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है एंड शी डिजर्व्स इट. थैंक यू. और मैं चलते चलते आप लोगों को यही कहूंगा, सिर्फ याद रखने से बात बनेगी नहीं. एक प्लेज लीजिए, एक प्रॉमिस लीजिए अपने आप से कम अपने आसपास 10 लोगों को आप हेलन केलर जी के बारे में बताएंगे, उनकी पर्सनैलिटीज के बारे में बताएंगे, ताकि एक चेन बने, आगे से ज्यादा लोग जागरूक हो सके उनको याद करने के साथ साथ जो उन्होंने हमें बताया है. कोशिश करें उनमें से कुछ बातों पर चलने की कोशिश करें, तो आई थिंक वी विल गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स इन द लाइफ. बहरहाल अभी समय है आप लोगों से इजाजत लेने का. जैसा मैंने पहले कहा, अगले प्रोग्राम्स बिल्कुल तैयार है. सुनते रहिए इसी तरह रेडियो उड़ान. बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर. मेरा टावल कहां पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू भारतीय राजनीति पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते. मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है. हमको नहीं मजा आता ब्रेल से. अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूं. चिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहां से चलेगा, लाइट चली गई है. उफ, अब मैं कैसे पढूं? काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता. ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी. ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड. रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी.